Filmfare is something that I associate with my childhood. I used to love attending with my parents and celebrating the spirit of our industry. Filmfare hamesha se bahut acha raha hai, aaj bhi acha tha aur ummeed karte hain aainda bhi acha rahega. Well, kafi award shows ho gaye hain, and I think jo baazi maarne wale hain, they are very chosen few. Some films are doing really well, aur mere hisab se Dabang and My Name Is Khan and Ishqiya and Udaan are the four favorite films. हर फंक्शन में चाहे तो इस फंक्शन में भी चाहेंगे और इंशाल्लाह अवार्ड लेके आएंगे। I guess I'm supporting everybody. Of course, I'm here to cheer for Once Upon a Time in Mumbai for the nominations that we have. But I think there have been some really great films this year. Ishqiya and a few of those being my favorite. I guess I'm here to cheer up all of them. Filmfare से हमारा जो रिश्ता है बहुत पुराना है. खैर मेरा तो नेली 40 साल का है. उससे पहले जब हम बच्चे होते थे तो हम अपने फादर के जब वो जीतते थे तो हम उस वक्त भी जाते थे. तो ये एक रिश्ता बहुत सालों से चला आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि रणबीर इस रिश्ते को और भी आगे ले जाए. एक बात तो है कि फिल्मफेयर जो अवार्ड सेरेमनी है वो हमारे इंडस्ट्री का सबसे पुराना अवार्ड सेरेमनी है. तो इतने साल से कोई अगर अवार्ड रहता है तो कहीं ना कहीं उसको इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं. तो आई गेस इन मेनी वेज इट्स प्रेस्टिजियस. सो इफ यू विन द अवार्ड हियर आई गेस देयर इज एनफ रीजन टू रिजॉइस एंड फील हैप्पी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग. आई लव दीस अवार्ड फंक्शंस. आई थिंक दे आर ऑसमली एंटरटेनिंग. सो आई एम लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट. इस तरह के अवार्ड्स जो होते हैं दरअसल में सही मायने में पूरे फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म फ्रेटर्निटी को और फिल्म फैमिली को एक साथ करती है, रिश्तों में रिश्तों को जोड़ती है, न्यू कमर्स के लिए खासकर बहुत मायने रखती है. ये मिला है, मैं नॉमिनेटेड थी मुन्नी और शीला के लिए और मुझे मिला है शीला के लिए.